हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुलबुल और आप सभी का स्वागत करती हूँ बुलबुल लाइफस्टाइल इंडियन ब्लॉगर में। सो गाइस, आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ। आप सभी की रिक्वेस्ट पर आज मैं लेकर के आई हूँ किचन टूर। जी हाँ, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार था मेरे नए घर को देखने का। सो मैंने सोचा कि क्यों ना रमज़ान से ही स्टार्ट करते हैं। सो ये वीडियो जो है ना, मैं अभी जो बना रही हूँ और ये रमज़ान जब स्टार्ट हो जाएंगे तब ये वीडियो डलेगा, ठीक है। तो चलिए फाइनली इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म करते हैं और हमारे आधा अधूरा विदाउट फर्नीचर किचन टूर आप लोगों को कराते हैं। हम लोगों ने क्या कुछ सोचा है, क्या कुछ हम लोगों ने सोचा था और क्या कुछ हो पाया है, तो वो सारी चीज़ें भी हम लोगों को बताएंगे डिटेल के साथ में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, नहीं यहाँ से सिंक एरिया से स्टार्ट करते हैं, जो कि किचन का सबसे मेन पार्ट होता है। जब भी हम कोई खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, सबसे पहले बर्तन कहाँ जाते हैं? सिंक में। तो इसलिए जो है यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, हमने एक विंडो दी है ताकि हम बाहर से जो है नज़ारा देख सकें, ठीक है। खाना बनाते बनाते कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी डोर बेल बजी है, जो भी है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जस्ट सामने हमारा जो है मेन डोर दिखाई देता है यहाँ से, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये विंडो बनवाई है। और इसमें जो है वो फ्रेम लगेगा, क्या बोलते हैं उसको, स्लाइडिंग, हाँ स्लाइड वाला वो लगेगा, ठीक है। और उसके बाद जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने ये दो टैप दिए हैं। एक तो है डायरेक्ट जो मोटर का पानी आता है उसके लिए ये है, और ये है हमारा जो टंकी से वह पानी आएगा बर्तन धोने के लिए। और इस वाले टैप में यही नहीं है, इसमें गर्म पानी भी आएगा और ठंडा पानी भी आएगा। तो ये सबसे अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि सर्दियों में जो है ना, जब भी हम बर्तन धोते हैं तो हमें गर्म पानी करने जाना पड़ता है, कभी इंडक्शन पे रखते हैं, कभी गैस पे रखते हैं, तो वो हेडेक मेरी हो चुकी है ख़त्म। और इस सभी का क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, क्योंकि उन्होंने ही सारा सब कुछ दिमाग लगा करके उसको जो है क्रिएट किया है। तो इसी टैप में जो है गर्म पानी भी आएगा, ठंडा पानी भी आएगा, और ये डायरेक्ट वाला है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सिंक है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जो है कुछ भी ऐसा पानी का मटका वगैरह कुछ भी ऐसा रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने इसलिए इसके छोड़ा, या फिर अपना जो बर्तन धोने के बाद हम बास्केट में रखते हैं धोने के बाद में, तो वो बास्केट भी हमारे यहाँ पर रख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज गाइस, इधर आइए दिखाते हैं हम, ये देख लीजिए, ये जो आप लोग देख रहे हो, जो कि मैंने आधा आधा इंच जो है यहाँ से ये लीजिए करवाया है ग्रेनाइट को, वो इसलिए क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ साफ़ करते हैं या फिर बर्तन रखते हैं धुलने के बाद में, तो इसका पानी सारा ड्रेन होकर के जाएगा इसमें सिंक में, ठीक है। तो इसलिए मैंने ना ये जो है मैंने इंस्टा पे देखा था और यूट्यूब पर भी देखा था मैंने कई जगह पर, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ये चीज़ करानी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपका घर नया बन रहा है तो उसके लिए आपको ये चीज़ ज़रूरी है किचन में, क्योंकि हम लेडीज़ हैं जो है सारा ज़्यादा से ज़्यादा समय हम जो है किचन में ही स्पेंड करते हैं। और बर्तन धोने के बाद उस पर रख देंगे, निचोड़ते हैं, बहता हुआ पानी इधर आ जाएगा, तो पानी जब होता है ना तो ये इसमें ढाल नहीं किया जाता है, ठीक है, ग्रेनाइट के ऊपर ढाल नहीं किया जाता है, तो क्या है हमें पानी से वाइपर से साफ करना पड़ता है। तो अब इसमें ये क्या है कि अगर हम कोई भी बर्तन रखेंगे पानी का या कोई भी चीज़ फैल जाती है तो ये तुरंत सिंक में ही जाएगा, यहाँ भरेगा नहीं, है ना। और इसके बाद यहाँ पर अभी गंदा हो रहा है क्योंकि अभी पॉलिश होगी बाद में, फर्नीचर वगैरह लगने के बाद पॉलिश होगी, पॉलिश होगी। और अभी क्या है ना, अभी सारा काम ही चल रहा है, तो मैंने सोचा क्या लोग क्यों ना यार बीच में ही इसका टूर दे दी थी, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी देखने को, बहुत सारे लोग भी था थे, तो इसलिए ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है हमारी ये टाइल्स जो कि हम दोनों की पसंद से हैं और बहुत ज़्यादा घूमा है हमने स्टाइल्स के लिए। सच में गाइस, पहले पता है मैं सोच रही थी कि ना यहाँ पर जैसे ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट होता है वो लगाया जाए, या फिर आजकल जो चल रहा है ना, या फिर जिस कलर का फर्नीचर होता है उसी कलर का यहाँ पर जो है टाइल्स लगाई जाती हैं, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वाइट ही लगाया जाए, क्योंकि हमारा जो हॉल है, हमारा जो किचन में जो टाइल्स लगी हैं वो सभी वाइट कलर की ही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो आप लोग, ये हमारे ग्रेनाइट में मैच हो रही है, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है,
और ये भी इसमें ब्लैक आ रही है, तो इसलिए मुझे ये चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो हम दोनों की चॉइस से ही सारी चीज़ें हुई हैं भाई। जब भी घर बनता है तो सिर्फ एक की नहीं चलती है, दोनों की ही चलती है, हस्बैंड वाइफ की। और काफ़ी सारा अच्छा जो माइंड है ना वो इनका ही लगा है इस घर को बनाने में, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ग्रेनाइट आप लोग देख रहे हो ना, अभी थोड़ा सा गंदा दिखेगा आप लोगों को, अभी पॉलिश नहीं हुई है। हाँ, गंदा दिखेगा क्योंकि अभी काम चल रहा है, ठीक है। अभी तो मैंने फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा ऐसे साफ करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और यहाँ पर ये हमारा ना मकराना ग्रेनाइट है ब्लैक कलर में, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो डिज़ाइन वगैरह बनते हैं वो चीज़ नहीं चाहिए, मुझे एकदम सिंपल पेपर चाहिए था, तो मैंने भैया को बोला कि मुझे सिंपल पेपर ही चाहिए, तो उन्होंने इस टाइप से ये डिज़ाइन बनाया इसका, ठीक है। यहाँ पर लगेगी हमारी चिमनी, तो उसके लिए ये पाइप गया हुआ और ये बोर्ड गया हुआ है। देन उसके बाद यहाँ कॉर्नर में आते हैं जब हम, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे भी बोर्ड दिया गया है, वो इसलिए क्योंकि जब भी हमें कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे है माइक्रोवेव है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्सर ग्राइंडर है, जो कि सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है ना, तो फिर बोर्ड की कमी आ जाती है, तो कहाँ पे लगाए, तो यहाँ पे हम उसको लगा सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा इलेक्ट्रिक का आइटम है जो भी है वो यहाँ पर लग सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर भी बोर्ड लगाए हैं हमने, यहाँ पर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर मैं एक क्या बोलते हैं उसको, एक ड्रॉ टाइप की चाहती हूँ जिसमें हम अपना माइक्रोवेव, जिसमें हम माइक्रोवेव के पार्ट्स वगैरह होते हैं या फिर मिक्सर ग्राइंडर के पार्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हम रख सकते हैं। तो फर्नीचर के बाद कैबिनेट वगैरह होते हैं, कैबिनेट्स वगैरह ही बनेंगे। तो फर्नीचर के बाद आप लोगों को सारा सबको समझ में आ जाएगा हम लोगों ने क्या क्या सोचा हुआ है। तो हम लोगों ने पता है क्या सोचा कि यहाँ पर जब हम लोग रहते हैं ना, तो यहाँ इस एरिया में ना दीमक की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है कि सभी के घरों में जो है दीमक लग रही है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब हम मॉड्यूलर किचन बना ही रहे हैं तो क्यों ना हम हाफ मॉड्यूलर किचन बनाई जाए ताकि हमारे फर्नीचर में दीमक नहीं लगे, क्योंकि यहाँ आसपास जो है ना खेत काफ़ी ज़्यादा है, तो उस चक्कर में जो है दीमक का डर रहता ही है। तो हम लोगों ने सोचा कि हमने जब हमें पार्टीशन लगाने ही है तो हम फुली मॉड्यूलर ना करते हुए हाफ वाला मॉड्यूलर करें, तो यहाँ पर हमने ये ना पत्थर लगाए हुए हैं, तो पत्थर के हमने जो है पार्टीशन दिए हैं इसमें, तो हमें जैसा जैसा जो भी चाहिए था, जैसे ड्रॉर वगैरह यहाँ पर क्या बोलते हैं कटलरी वाला है, बर्तन वाला है, प्लेट्स वाला है, ग्लास वाला है, तो यहाँ पर ये सारे ड्रॉर्स आएंगे। बाकी यहाँ पर हमारा सिलेंडर वगैरह, टंकी है, आटे की सारी चीज़ें आएंगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर भी कुछ कुछ चीज़ें रखी जाएंगी, इस कॉर्नर को भी हम अच्छे से यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर हमारा और भी चीज़ें आएंगी जो भी पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है यार किचन में, जितना ज़्यादा स्पेस बनाएंगे ना स्टोरेज, जितना ज़्यादा स्टोरेज बनाएंगे वो भी कम पड़ जाएगा, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो मैंने ना हर एक चीज़ को यूज़ किया, मैंने बोला है कि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना जाए जगह, तो सारी चीज़ों को कवर करेंगे और ऊपर तक हम फर्नीचर बनवाएंगे, पूरा टॉप तक फर्नीचर बनवाएंगे हम किचन में, ठीक है। और यहाँ पे रहा हमारा ये जो आप लोग देख रहे हो नीचे, तो यहाँ पर मैं जो है जो भी लिक्विड डिशवाशर वगैरह रहते हैं उसका बनवाऊंगी, या फिर हमारा और भी चीज़ें रहती हैं बहुत सारी, डस्टबिन वगैरह है ना, वो सारी चीज़ें आएंगी। और ये एरिया आप लोग सोचोगे भाई ये एरिया हमने क्यों छोड़ा हुआ है खाली, हमने यहाँ तक ही बंद करवा दिया। इसका डिज़ाइन देखिए पहले, कितना प्यारा डिज़ाइन बनाया ना ग्रेनाइट का, बहुत ज़्यादा पसंद आया था मुझे दोनों तरफ उनका काम। और ये देखो इधर भी बना हुआ है, ये भी बहुत प्यारा है। हम ये देखिए इसके ऊपर हमने कलर करवा दिया पीछे साइड से, हमने स्पेस इसलिए छोड़ा है भाई क्योंकि हमें यहाँ पर बनवाना है पैनिट्री, ठीक है। यहाँ पे हम अपना राशन रख सकते हैं, जो भी एक्स्ट्रा राशन होता है वो चीज़ें रख सकते हैं, या फिर सॉसेज वगैरह है वो रख सकते हैं, ड्रिंक वगैरह है कोई सी वो रख सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके नीचे ही मैं सोच रही हूँ मैं प्याज लहसुन की जो डलिया वगैरह होती है ना वो बनवाऊँगी, ताकि ऊँचाई से पैनिट्री हमारा बनेगा ऊपर तक, ठीक है। और यहाँ पर आएगा हमारा फ्रिज, ये स्पेस हमने फ्रिज के लिए रखा है क्योंकि हमारा जो किचन है ना वो हॉल में ही है, मतलब हॉल से ही एंटर करते हैं किचन में आने के लिए, तो इसलिए हमें सारी चीज़ें देखनी थी, तो यहाँ पर हमारा फ्रिज आएगा और उसके ऊपर भी पूरा स्टोरेज बनेगा वहाँ से वहाँ तक।
यहाँ पर हमारा आएगा क्या बोलते हैं उसको, आरओ, आरओ वाटर फिल्टर। हाँ, सो यहाँ पे हमारा आरओ आएगा, ठीक है। बहुत चीजें सोची हैं अब, इंशाल्लाह जितनी अल्लाह ताला करा दे इतनी। हाँ, सोचता तो इंसान बहुत कुछ है, सोचता तो बहुत कुछ है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वही है ना कि अल्लाह ताला बस सब कुछ अच्छे से करा दे। आवाज आना, और हाँ टाइल्स तो दिखाना भूल गई थी आप लोगों को फ्लोर की, तो हमने यहाँ पर ये वाइट टाइल्स लगाई है, दो बाई चार की लगाई है, ये देख सकते हैं पूरा साइज है इसका, यहाँ पर ये फर्नीचर का पूरा पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो ये है दो बाई चार के हमने टाइल्स लगाई है, बीच में हमने अपॉक्सी भरवाई है, अपॉक्सी डाल के। और यहाँ पर जो हमारा सिलेंडर लगा है ना, ये दूसरे कलर का लगाया है, देख सकते हैं आप लोग अंदर, और अंदर भी हमने टाइल्स जो हमारी बची थी एक्स्ट्रा में जो बच जाती हैं वो हमने टाइल्स यहाँ, कोई नहीं है मुझे लगा, तो वो हमने यहाँ पर लगवा दिए ताकि दीमक कहीं से भी नहीं आ सके, ठीक है। तो इतना कुछ है, और हाँ सबसे पहले नहीं, अब लास्ट में दिखा देते हैं हम लोगों को फॉल सीलिंग हमारी, देखो फैन भी लग चुका है, चलिए मैं ऑन करके दिखाती हूँ हम लोगों को, ये सो ये है हमारे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन, हमारे किचन का डिज़ाइन, जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया था, मैं कुछ चाह रही थी सेट को, और हमने जो है ना लाइट्स लगवाई है वॉम वाइट, हमने पूरी वीडियो बनाई लाइट नहीं जलाई हमने पूरी वीडियो बना दी लेकिन लाइट नहीं जलाई है, कोई बात नहीं है ना, तो वॉम वाइट लाइट है ना, हाँ वॉम वाइट लाइट है हमारी, और वाइट कलर के जो बीच में लाइट लगी है वो भी है, और फैन हमने वाइट और गोल्डन में ही रखा है, क्योंकि हमारा हॉल का जो थीम है हमने सोचा है वो गोल्डन और वाइट का ही सोचा है, अभी कुछ पता नहीं सकते आगे, क्योंकि फर्नीचर भी लगेगा तो शायद थोड़ा सा अलग भी हो सकता है ना, थोड़ा सा अलग भी जा सकता है वो, लेकिन देखो सोचता था ना बहुत कुछ है, उसमें से 100% सोचता है, उसमें से सिर्फ 50% या 70% तक ही काम हो पाता है, उसके बाद तो फिर नहीं हो पाता चीज़ें, क्योंकि बजट से बाहर भी चले जाती हैं, हमें बजट भी अपना मेंटेन रखना, बहुत सी चीज़ें सोची थी वो नहीं हो पाई हैं, वो तो बजट में चल रहा है। बस अल्हम्दुलिल्लाह किचन जो है हमारी रेडी है विदाउट फर्नीचर, इसके बाद फर्नीचर का काम चलेगा इसमें, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आप लोगों को विदाउट फर्नीचर ही टूर दिया जाए ना। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा किचन बताना, कैसा लगा? तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन जो है रेडी हो गया है, जो कि हर एक लेडीज़ का दिल का हिस्सा होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं लेडीज़। बस अभी वो बन चुका है, और मैं तो अल्लाह ताला से दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह ताला जितने भी जो बेघर हैं अभी, जिनके घर नहीं बने हैं, अल्लाह ताला उनके भी घर बनवा दे, और उनको बरतना और रहना नसीब करे, आमीन सब आमीन। आप लोग भी दुआ करना भाई हमारे लिए, माशाल्लाह ज़रूर बोल देना, ठीक है, अल्लाह ताला नजरें मत से बचाए बस, और हमें इस घर में रहना नसीब करे, बरतना नसीब करे अल्लाह ताला हमें, तो बस आप लोगों की दुआएं और बहुत सारा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, देखो इंसान को कुछ भी नहीं चाहिए होता है, और कोई कुछ आगे दे भी नहीं देता है ना, तो इसलिए बस दुआएं चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। तो चलिए फिर ना इस व्लॉग का एंड में, व्लॉग नहीं करें, इस वीडियो का एंड में यही करती हूँ, मिलूंगी फिर से एक नए वीडियो के साथ में, अल्लाह हाफिज़। नहीं अरे लगा देंगे हो गया। ये मटका किसका है?
ये मटका है, इस मटके में पूरा मकान बन गया है, पूरा मकान बन चुका है हमारे। इस मटके ने बहुत साथ दिया है जो भी वर्कर्स थे हमारे, जो इसने भी घर में काम किया, सब इससे और रोज धुल के भरता है, और डेली डेली धुल के भरा जाता है। अभी भी भरा ही आधा ही भरते हैं, क्योंकि डेली ही धुलना पड़ता है उसको, इसलिए यहाँ पानी वेस्ट करना। यहाँ पे सारे फर्नीचर की चीजें रखी हैं जो भी यूज होती हैं, कील वगैरह जो छोटी सारी कील है। इनके काम कपड़े वपड़े रखे हैं, इनका सारा सामान, प्लाईवुड वगैरह रखी है, कटी वटी। चलो चलो चलो, मुझे होम सॉरी किचन टूर तो देना है, बंद करो।